नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो करी में आप सभी दर्शक लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम आप लोग तक पहुँचावल जला और आज हमने जो विषय पर बात करब जा वह स्तन कैंसर अक्टूबर महीना में सचेत करावल जला आदमी लोग के कि कौन कौन तरह के सावधानी चाहेला बरती के ताकि इ कैंसर बीमारी से सकब जा बचे ता स्तन कैंसर कैसे हुए रहा कौन कौन तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध बाते मौसस में और कौन कौन सावधानी चाहना बरते के इस सब के बारे में आज हमने एक जानकारी प्राप्त करब जा डॉक्टर मीरा सुबग जी से जे क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हवा आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में धन्यवाद जी और सभी दर्शकों को नमस्ते हाँ तो डॉक्टर जी जब हमने स्तन कैंसर के बारे में बात करिया जा जब एगो महिला के दर्द होता था स्तन में तो ई संकेत है से के ये आपने मुझे मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो मेरी अभी भी अभी कंसल्टेशंस में आते हैं जहाँ पर वो बहुत इंतज़ार करते हैं कि दर्द हो फिर डॉक्टर के पास जाएं पर ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आ, जो हमारे अर्ली स्टेज के कैंसर्स हैं उनमें दर्द नहीं होता है नहीं। तो फिर जो गांठ होती है स्तन में वो पेनलेस होती है बिना दर्द का तो अगर एक गांठ है और उसमें दर्द नहीं है उस उससे हमें ज़्यादा दर्दना चाहिए जहाँ की दर्द का इंतज़ार करें फिर डॉक्टर के पास आए तो फिर जो अगर एक गांत देखते हैं जिसमें दर्द नहीं है तुरंत डॉक्टर के पास जाए तो हमने दे अगर देखा जाए मेडिकल टर्म में ये जब छाती में दर्द हुआ था ई जिसे देखा जला साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल पेन दर्द ई एकर में फ़र्क कुंज कुछ स्तन से ही संबंधित है हाँ दर्द जो हो सकता है वो स्तन में हो सकता है वो पेट में भी हो सकता है साइक्लिकल का मतलब है कि जैसे कि महिला को अपना महस में, हो रहा है तो फिर उसके दौरान दर्द हो तो वो नॉर्मल नॉर्मल होता है अगर मनस के बाद ख़त्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद दर्द होने लगे या फ्रिक्वेंटली दर्द होने लगे फिर हमें जांच करना चाहिए हम्म हाँ। तो एगो महिला के अगर ई स्तन कैंसर हो गर्भते कौ से हवा के खतरा बते शरीर के अन्य अंग में फैले के हाँ आ, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक कैंसर क्या है एक गांठ है जो जिसमें अब नॉर्मल सेल्स हैं मतलब हमारे अंग हमारे शरीर के अंग बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं जिसको हम क कोशियाँ कहते हैं और वो सेल्स क्या नो, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बढ़ते हैं अपने आप और फिर एक एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो मर जाते हैं और फिर नए सेल्स आते हैं ये नॉर्मल है पर एक कैंसर में क्या होता है जो हमारी जो डीएनए है जो सेल के अंदर होती है वो सेल को कंट्रोल करती है तो उस डीएनए में अगर बदलाव आए जो हम म्यूटेशंस कहते हैं तो ये सेल अपनो असामान्य हो जाता है तो वो अपने जो बढ़ावा है उसमें उस पर कंट्रोल खो देता है और बढ़ने लगता है बढ़ और भी असामान्य जो सेल्स हैं उसको जीवन देता है और ये ये जो गोला है असामान्य सेल्स के वो एक गांठ बनती है उसको हम स्टन अगर ये स्तन में हो रहा है तो उसको स्तन कैंसर कहते हैं अब ये गांठ अगर हम इसका इलाज ना करें उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वक्त के साथ ये बढ़ता जाएगा फिर शरीर के साथ वाले भागों में जाएगा ये नोड्स में जा सकता है या फिर खून के द्वारा दूसरे अंगों में जा सकता है इसको हम मिठास्ताज कहते हैं hmm. अब अगर मिठास्ताज हो गया मतलब जैसे कि स्तन का कैंसर है खून में गया और फिर दूसरे भागों में जैसे कि जिगर में चला गया या फिर फेफड़ों में चला गया हड्डियों hmm. में चला गया या फिर ब्रेन में चला गया तो ये स्टेज फोर मिटास्टाटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं इसको hmm. so, एगो महिला के जो स्तन के स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे कि के चाहेला समझे के और आप बोलत हवा जब एगो गांठ हो गए और दर्द महसूस नहीं करता फिर भी चाहेला अपन डॉक्टर लगे जाए के लेकिन ढेर महिला लोग हवन जा कि घर पर ही घरेलू नुस्खा खोजल से दर्द से कैसे छुटकारा पाए खातिर तो सही नहीं है सही नहीं है क्योंकि आ, आ, ये ये सच है कि जो भी गांठ स्तन में पाया जाता है आ, नब्बे प्रतिशत आ, कैंसर नहीं होता है पर वो दस प्रतिशत फिर भी कैंसर होता है तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता चले कि ये कैंसर है या नहीं है इसके लिए हमें टेस्ट कुछ खास टेस्ट करने पड़ते हैं जो हम घर पर बैठकर नहीं कर सकते हैं और जितना जल्दी हमें पता चले कि ये कैंसर है या नहीं है उतना ज, उतना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अगर ये कैंसर है अनफॉर्चुनेटली तो फिर अर्ली स्टेज में वो क्यों हो सकता है उसका इलाज हो सकता है मगर अगर, अगर ऐसे ही छोड़ दें और घर पर बैठकर इसका, इसका इलाज करें तो ये कभी ठीक नहीं होगा बल्कि जैसे हमने अभी बोला ये दूसरे अंगों में जाएगा जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय जो बातें विभिन्न तरह के सेवा उपलब्ध करावेला अब इ कौश्य के भी जांच करावे खातिर चहला अस्पताल के तरफ जाए के सब एगो महिला के अगर संदेह बातें कि सकेला कौंश्य बाते जिसे आप ही बोलत हवा दस प्रतिशत बाते ई संदेह रहेला अगर ओकरा जांच करे के बाते ओकरा तहा जाए के चाहला जिस क्लिनिक या फिर अस्पताल सगरों उपलब्ध बातें सब करे के आ, अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है आ, वो आ, सारे जांच करने की सर्विसेज काफ़ी लोगों के पास ला रहा है हुँ. तो फिर आ, जो करना चाहिए कि जो भी महिला उसको संदेह है कि ये गांठ अच्छा नहीं है कुछ बदलाव है स्तन में तो वो पास के जिस पाँस में भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर्स हैं वहाँ भी आ, कुछ कुछ टेस्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक डॉक्टर जो वहाँ महिला पेशेंट को देखेगा अगर उसको लगे और भी जांचें करवानी है जैसे कि ब, जैसे कि बायोप्सी करना है या मेमोग्राफी करना है फिर उसको रिफ़र करेगा अस्पताल में तो पास के डॉक्टर के पास जाइए और इसके बाद आ, वो डॉक्टर देखेगा अगर आपको अस्पताल भी जाना है वरना अगर देखे अगर उसने टेस्ट किया और उसने देखा कि आ, कुछ घबराने की बात नहीं है तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा आप अस्पताल जा सकते हैं डायरेक्टली या फिर आपके पास के डिस्पेंसरी के पास भी जा सकते हैं जन बातें विभिन्न तरह की बातें जिसे बोले की मामोग्राफी फिर बातें अल्ट्रासाउंड फिर जैसे आप बायोप्सी बोल रहा और सेल्फ एग्जामिनेशन इस सब में फ़र्क बातें या फिर इसताज बढ़ा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब भी एक महिला uh, को कोई भी uh, प्रॉब्लम हो ब्रेस्ट का और वो डॉक्टर के पास जाती है तो फर्स्ट जो कदम हम कर फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं हम उनको एग्ज़ामिन करेंगे उसको कहते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन स्तन का एग्ज़ामिनेशन होगा फिर हम देखेंगे अगर बगल में बाहों के नीचे कोई गांठ है या नहीं है दूसरे अंगों में कुछ है या नहीं है नहीं। ये फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है ये हाथ से हम जांच करते हैं इसके बाद जब हमें लगता है कुछ है और और भी जाँचें करनी है तो फिर हम आ, आ, मामोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे मामोग्राफी हम 40 के आ, 40 साल के उम्र से ज़्यादा महिलाओं के लिए मामोग्राफी करते हैं और आ, 40 से कम उम्र के महिलाओं में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मामोग्राफी क्या है ये एक एक्सरे है एक्सरे है स्तन का उससे एक्सरे करके हमें पता चलेगा या अगर कोई छोटे से गांठ है जो हमें महसूस नहीं होता है हाथों से वो मामोग्राफी में बहुत आसानी से दिख जाएगा या फिर अगर आ, हमारी महिला 40 से कम का के उम्र के है तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे वो बेटर है मामोग्राफी से तो उम्र के हिसाब से टेस्ट भी डिफरेंट होता है एक बार मामोग्राफी हमें ये दिखाए कि या अल्ट्रासाउंड हमें ये दिखाया कि एक गांत है जो आ, अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर जानने के लिए ये कैसा गांठ है आ, कैंसर है या फिर बिनाइन है तो उसके लिए बायोप्सी करना ज़रूरी है तो बायोप्सी क्या होता है हम एक टेस्ट करते हैं जहाँ पर एक छोटा सा भाग उस गांठ का निकालते हैं फिर हम उसको लैब में भेजते हैं उस छोटे से भाग को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये छोटी छोटा सा जो हमने निकाला है स्पेसिमेन अगर वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है अब ये जो स्तन कैंसर बती महिला के अगर ए स्तन में इ कौश्य हो गल तो खतरा बती दूसरा स्तन में भी कौश्य हो के जी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक बार एक महिला को कैंसर हो जाए एक स्तन में उसका रिस्क दूसरा दूसरी स्तन में आ, बढ़ जाता है एक कंपेयर टू एक नॉर्मल महिला में जिसको कैंसर नहीं है डेफिनेटली इसलिए हम कहते हैं कि आ, जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं फॉलोअप के लिए हम हमेशा कहते हैं कि दूसरी दूसरा स्तन भी जांच घर में जांच सेल्फ एग्जामिनेशन करो और फिर हम भी मामोग्राफी करते हैं रूटीन हमने के ये समझा हुआ जब हमने बुराजा फाइब्रो आदे नोमास कौन तरह के कौश्य है और कितरा किरा खतरा है होगी तो आ, जैसे मैंने कहा Uh, दस प्रतिशत तकरीबन कैंसर्स होते हैं जो गांठ होती है और बाकी सारे बेनाइन होते हैं तो uh, बेनाइन का मतलब है वो कैंसरस नहीं है जो गांठ हमें दिख रहा है वो फैलेगा नहीं uh, कैंसर का uh, अगर है तो अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो फैल जाएगा शरीर में तो अगर फाइब्रो अडिनोमा का की बात करें फाइब्रो अडिनोमा ऐसा गांठ है जो कैंसरस नहीं है और बहुत बार आ, इसका निदान होता है और आ, इसका ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है आ, अच्छा है कि जो भी गांठ हो वो हम निकाल दें शरीर से उस उसको छोड़े ना क्योंकि कभी कभी बहुत बहुत तो रेयर पर हो सकता है कि वो चेंज होकर एक कैंसर बन जाए तो ये इकरा केकरा जस्ती हो बिला जवान लोग के या फिर कोई के भी कोई, कोई के भी जवान में भी ज़्यादा होता है हुँ। हाँ हुँ। जैसे आप बोला कि एगो स्तन कैंसर उस सब महिला के हो के जस्ती खतरा बाते जे पचास बरिस से या फिर चालीस बरिस के ऊपर के हवन सब और कौन कोन खतरा हो सकी खान पान में से इ के या फिर एक्सरसाइज ना करला से का खातिर इ खतरावा होवेला कैंसर अभी भी एक मिस्टीरियस uh, बीमारी है क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं ये uh, आया है क्योंकि इस फैक्टर की वजह से या इस कारण की वजह से हुआ है तो हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स है मतलब कि जब ये सारे कारण प्रस्तुत uh, मौजूद हैं तो हमारा रिस्क uh, ये बीमारी होने में uh, ज़्यादा बढ़ जाता है तो कौन से ऐसे uh, कारण हैं देखा गया है कि जस्ट खाली दस प्रतिशत ब्रेस्ट uh, कैंसर है वो हेरिडिट्री है मतलब कि uh, इन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री मतलब uh, परिवारिक uh, इतिहास है कि कैंस किसी और को कैंसर हुआ था परिवार में पर बाकी जो नाइन्टी uh, परसेंट है वो हेरिडिट्री नहीं है तो क्यों होता है तो कुछ कुछ ऐसे कारण है जैसे आपने बोला uh, उम्र बढ़ती उम्र पचास साल से बढ़ता हुआ उम्र हमारे महिलाओं में उस आ, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ा देता है फिर है आ, खान पान जैसे आपने बोला बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कैंसर के लिए हम देखते हैं अब हमारा खान पान बहुत ही बदल गया है आ, पहले हम जैसे खाते थे अब ऐसे नहीं खाते हैं आ, संतुलित आहार आहार लेते नहीं हैं बहुत ज़्यादा मांस ले रहे हैं बहुत कम फल आ, और सब्जियां लेते हैं और सब्जियां में भी पता नहीं अगर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं ग्रो करने के लिए तो ये सब आ, कैंसर का की संभावना बढ़ा सकता है फिर वज़न ओबेसिसी काफ़ी बढ़ गई है मरीशस में आ, बहुत बार हमने देखा है कि जिन महिलाओं की वज़न अधिक है उनमें होमोनल इंबैलेंस हो जाते हैं और इन होमोनल इंबैलेंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और भी बढ़ जाता है इसमें और हमने देखा है कि जैसे कि ओबेसिटी uh, एसोसिएटेड uh, है स्टिडेंट्री uh, लाइफ के साथ मतलब बैठे रहो हमारा जॉब भी अब ऐसे ही बन गया है hmm. हम खेतों में नहीं काम करते हैं अब हम ऑफिस में काम करते हैं और uh, हमारे पास uh, वक्त नहीं होता है एक्सरसाइज करने का ऐसा रिकमेंड किया गया है कि आधे घंटे का एक्सरसाइज करना है रोज़ पर कितने कितने हम में से ये करते हैं नहीं। बहुत नहीं है नहीं। तो और ये भी देखा गया है कि महिलाओं की शरीर अगर बहुत लंबे अरसे के लिए एक्सपोज किया गया हो इस्ट्रोजन हार्मोन से इस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में है नॉर्मल पर अगर लंबे अर्से के लिए हमें एक्सपोजर हुआ हो जैसे कि हमारी मेंसेस बहुत अर्ली शुरू हो गया ग्यारह बारह साल में और फिर पचास साल के बाद भी हमें मैंसेस हो रहे हों तो ये एक आ, रिस्क एक कारण हो सकता है दूसरा है कि हमारे आ, जो प्रेगनेंसी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी पहला बच्चा आ, तीस साल के बाद हुआ हो या फिर आ, हम ब्रेस्ट फीड नहीं करते हों बच्चे को या फिर आ, हम आ, पोस्ट मेनोपोजल जो लेडीज़ हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हों लंबे अरसे के लिए तो फिर शरीर होमोनल एक्सपोजर लंबा होता है इसमें तो ब्रेस्ट कैंसर के खतरा और भी बढ़ जाता है अल्कोहल तंबाकू का सेवन करना वो भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए पर एक सवाल आपसे पूछती जब कोई महिला अगर अपन लड़का की स्तनपान नहीं करा हुआ था ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराता तकरा तो जैसे आप बोले थे खतरा बाती ये ये कौन से होए प्रेस फीडिंग इस प्रोटेक्टिव प्रेस फीडिंग अगर आप करो सिक्स अटलीस्ट छः महीने के लिए हुँ. तो वो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है आपको ब्रेस्ट कैंसर से हुँ. तो एक महिला अगर तीस और चालीस बरिस के उम्र में गर्भवती होल वो कैसे बोला जा वो माँ बनल हुँ. तो उक्रा ई खतरा बातें से हो के या फिर अगर वो स्तनपान करी तो लाइक वो सकी बचे <laughs> आ, इसका उत्तर बहुत सीधा नहीं है हुँ. क्योंकि आ, हाँ ये है कि प्रेस फीडिंग प्रोटेक्टिव है हुँ. और आ, पर हमने देखा है कि तीस साल से ऊपर अगर के बाद अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो आ, उसका खतरा है मगर अगर बिल्कुल भी आ, बच्चा ना हो तो उसका और भी खतरा हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है दोनों में खतरा हाँ हा, दोनों में है मगर बच्चा होने में खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे आप बोला कि खान पान पर चैना ध्यान देगी और रिलिगजेसिस चाइना करेगी तो इसे सकब जा एक पर नियंत्रण करे बिल्कुल हमें पता है कि खान पान और आ, हमारी जो व्यवहार है ज़िंदगी के आ, और आ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आ, कैंसर के लिए बस कैंसर के लिए नहीं और भी दूसरे बीमारियों के लिए जैसे कि डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ हमें पता है ये तीन बीमारियां हैं जिनसे मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है मोरिशस में और स्तन कैंसर के अगर आज बात करत हैं जा त देखत हैं जा कि हर आठ महिला में एगो महिला के हो के खतरा बातें और पुरुष के भी स्तन कौश्य हो और हर हजार पुरुष में एगो पुरुष के इ संभावना होभावना बातें बात जोन बातें सच बातें सगवेकर पर कुछ प्रकाश नहीं हाँ, आपने बहुत सही कहा आ, स्तन कैंसर प्रचलित है महिलाओं में hmm. मगर एक प्रतिशत पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है hmm. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें कैंसर की जो नंबर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं साल 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 में और आ, हर साल तकरीबन 20 मिलियन नए कैंसर केसेस रजिस्टर होते हैं विश्व में hmm. और दस दस मिलियन कैंसर कैंसर पेशेंट्स की मृत्यु होती है mm -hmm. हर साल mm -hmm. ये विश्व में है अब uh, अगर हम मरीशस में देखें तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार दो uh, 2000 uh, 2021 में हमने देखा कि दो, uh, दो हज़ार न्यू केसेस रजिस्टर्ड हुए थे जिनमें एक हज़ार एक हज़ार छः सौ इक्यासी इक्यासी महिलाएँ न्यू कैंसर केसेस थे उन एक हज़ार छः सौ इक्यासी इत, महिलाओं में सबसे प्रचलित कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर आ, हमें हमने पाँच सौ केसेस uh, दर्ज किए थे 2021 में mm -hmm. इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के अलावा कोलोरेक्टर कैंसर एंडोमेट्रियम कैंसर सर्वाइकल कैंसर प्रचलित है mm -hmm. तो हम भी uh, विश्व के ट्रेंड जो है वो वो ही फॉलो कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रचलित है विश्व में महिलाओं में और मरीशस में भी सेम है mm -hmm. और ये में ई कौश्य से लड़ी खातिर सेवा उपलब्ध बाती और ये अभी हाल ही में जोन बातें नवा किसी वजह कैंसर अस्पताल के भी आ, खुलल गल बाती कैसे बातें अभी स्थिति जो बातें नियंत्रण में सख्त वजह करे कि कैसे बाती, बाती, आ, कैसे बाती। आ, आपने सही कहा मां जी आ, हमारी जो ट्रीटमेंट है वो Uh, पहले देखते हैं क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी uh, हमारे uh, जो uh, uh, जो मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है एक है सर्जरी फिर है कीमोथेरेपी फिर है रेडियोथेरेपी फिर हम होमोनल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं टारगेटेड थेरेपीज़ इस्तेमाल करते हैं और पालिटिव केयर है तो सर्जरी हमारे पाँच अस्पताल में उपलब्ध है ठीक तो जो भी पेशेंट मरीज़ है आ, स्टन कैंसर का उसका सर्जरी पा, पास के रीजनल हॉस्पिटल में करवा सकते हैं फिर आ, अगर कीमोथेरेपी चाहिए है आ, वो भी अब आ, उपलब्ध है आ, जीटू हॉस्पिटल हस्पताल में एस एस हस्पताल में नेहरू अस्पताल में भी उपलब्ध है और विक्टोरिया अस्पताल में हुँ. और न्यू कैंसर सेंटर अस्पताल में यानी सब अस्पताल हाँ, में उपलब्ध हाँ, बाती। हाँ. फिर रेडियोथेरेपी जो है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में उपलब्ध है बाकी अस्पतालों में नहीं है तो अगर एक आ, मरीज को आना है रेडियोथेरेपी के लिए उसको विक्टोरिया हस्पताल आना पड़ेगा और बाकी सारे थेरेपी वो भी पांच रीजनल अस्पताल में उपलब्ध है टारगेटेड थेरेपी हम न्यू कैंसर सेंटर में करते हैं ठीक ये सब विस्तार से जानकारी दे लेकिन आखिर में को खास संदेश देवे खुजवा हम यही कहेंगे कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो बहुत ही आ, बहुत कोशिश कर रही है कि सभी को Uh, सारे सर्विसेज उपलब्ध हों ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें इस बीमारी का रोकथाम कर सकें और आ, यही मैं बोलूँगी कि हम भी हमारी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम भी इंडिविजुअली हम हमारा लाइफस्टाइल को जांचें और आ, सही कदम उठाएं ताकि हम इसका रोकथाम कर सकें और अगर हम देखें कि हमार हमारे में या आसपास के जो हमारी परिवार में या फिर नेबर्स या फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा इंसान है जिनको कोई भी शक है कि कुछ बदलाव है स्थान में हुँ. तो लेकर आए हस्पताल या फिर डिस्पेंसरी पास में ताकि उनका जांच सही समय पर हो सके और ट्रीटमेंट हो सके हुँ. तो डॉक्टर सबक इस सब जानकारी हमने के संगे बांटला एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवप धन्यवाद उमां जी आपने हमें बुलाया यहाँ पर थैंक यू ठीक जहाँ आज के कार्यक्रम में जैसे हमने एक विशेष रूप से बात की जाए स्तन कैंसर के बारे में और ये डॉक्टर जी हमने के काफ़ी विस्तार से बतैलन कि कौन कौन तरह के इलाज उपलब्ध बातें मवशिश में और कौन कौन तरह के सावधानी आप लोग के चाहे बरतें के जैसे बोला जला कि हमने के स्वास्थ्य जो है वो के हाथ में है हा। अगर हमने जिम्मेदार तरीका से अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देव जा बीमारी रही ओकर सामना सकब्जा करे और नियंत्रण भी सकब्जा रखे। तो हम यही उम्मीद हैं जा कि कार्यक्रम में जोन जोन जानकारी आप लोग देवल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे जा तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के करी के हजे परी विराम देव जा और ही एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा अभी खातिर हमनिके और हनिके पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा नमस्ते